नरेश कुमार जी आज के अपने विचार रखे। तलाक के मसले पर हम बहुत टाइम से काम कर रहे हैं। आज पूरे देश में ये महसूस किया जा रहा है, बच्चा बच्चा ये महसूस कर रहा है, हमारा युवा वर्ग ये महसूस कर रहा है, ये जो रिवायत है, गंदी रिवायत, गलत रिवायत, जिससे हमारे खानदान के खानदान तबाह हो रहे हैं और हमारा देश, हमारा समाज इफेक्ट हो रहा है, उसको खत्म कर देना चाहिए। इस मसले पर जो पर्सनल लॉ बोर्ड है वही अड़ा हुआ है, बस एक अड़ियल मिजाज के नहीं जी हम हैं, हमने देखिए मुस्लिम समाज की ये बहुत दर्दनाक कहानी है कि इनके यहाँ हमारे यहाँ जो है एक तो सामाजिक संगठन कोई नहीं होता, दो संगठन होते, एक राजनीतिक या धार्मिक। अब समाज का सुधार, समाज की त्रुटियां, समाज की जो कमियां हैं उनको दूर करने की कौन सोचे। इस विषय के लिए मैं माननीय नरेश जी की बहुत ज्यादा आभारी हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने हम जैसे लोगों के दिल में जज्बा भरा कि देखिए आप मुस्लिम समाज में जो आज इतनी हम भी महसूस करते थे, लेकिन कभी इस तरह आपके सामने आकर उन बुराइयों के खिलाफ खड़े होने के जो जज्बा दिया वो माननीय नरेश जी ने दिया। उन्होंने वो हौसला, वो जज्बा हमारे दिल में भरा कि आप खड़े होइए, गलत को गलत कहिए, आप डरिए नहीं, घबराइए नहीं, जो गलत है उसको गलत कहना और सच्चाई के साथ खड़े होने का जज्बा आपने हमें दिया, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूं। देखिए ट्रिपल तलाक का जो मसला है, मैं ये कहना चाहती हूँ ये अल्लाह को नापसंद। हमारे नबी जिनको हम मानते हैं, हमारे पैगंबर साहब अल्लाह को और नबी को मानते हैं, अल्लाह को नापसंद, नबी को नापसंद, फिर हम इस रिवायत को, इस गंदी रिवायत को क्यों धो रहे हैं, क्यों हम उसको चला रहे हैं, क्या वजह है? हम कौन से मुसलमान हैं जो बात अल्लाह को पसंद नहीं, नबी को पसंद नहीं? यानी आप नबी की भी नहीं मानते? नबी को तो मानते हैं, आपके रहते हुए, आप जब तक हयात थे, आपके जमाने में कभी भी एक भी मसला, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक एकदम तुरंत कह देना और घर से निकाल देना, औरत को बेदखल कर देना, ऐसा नहीं था। तलाक उस वक्त भी होती थी, कलाम पाक में जो तरीका लिखा है उस हिसाब से होती थी, वो तरीका इन्होंने बदल दिया अपनी सुविधा के लिए, पुरुष वर्ग ने वो तरीका बदल दिया। तो आज इस तरीके को बदलने की क्यों तुम देर करते हैं? ये तरीका आज जो दुखदाई है, जो समाज को दुख दे रहा है, खानदान तबाह कर रहा है, उसको बदलने में क्या परेशानी है, ये हमें सोचना पड़ेगा। मैं उन लोगों से ये पूछना चाहती हूँ जो कल्बे सादिक है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आप सदस्य हैं, उनके जो फिरका है उसमें ये ट्रिपल तलाक बिल्कुल नहीं है, तो क्या आप खामोश होके सह रहे हैं? आप खामोश हैं इस विषय पर, तो आप भी गुनाहगार हैं, उतने ही गुनाहगार आप भी हैं जो खामोश हैं। यानी गलत साथ का जो साथ दे रहा है वो भी तो गलत है। आज ट्रिपल तलाक से मेरी बहनें इतनी इफेक्टिव, और आप यकीन जाइए जो उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी ने ये स्टैंड लिया है, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा पीड़ित है, ये सच्चाई है, बहुत ज्यादा वहां पीड़ित है ट्रिपल तलाक से। लेकिन ऐसा नहीं है कि और राज्यों में नहीं है। हम लोग झारखंड गए, हम लोग तो मध्य प्रदेश गए, वहां पर भी इतनी ये नहीं देखे, कहीं पर कोई उम्र नहीं है तलाक की। मैं ये मानती हूँ युवा बच्चे हैं, चलिए नान बन होती है, कहीं पर महिला की भी गलती होगी, लेकिन 6 बच्चे होने के बाद तलाक देना, उसको बेघर करना, 55 साल की उम्र में औरत को घर से निकालना, उसके खर्चा पानी वो कहां जाएगी? आप ये बताइए, यदि तुरंत तलाक होती है शादी के बाद, एक दफा को माँ बाप को प्यार आता है, कहते मेरी बच्ची मेरे घर आएगी रहेगी, लेकिन 50 साल की बेटी को कौन घर में रखेगा? कौन इस उम्र की औरतों का कौन जिम्मेदार है? किसी ने आज तक फतवे देते हैं जी इसके खिलाफ फतवा कि ये गलत कह दिया, वो गलत कह दिया। आप एक बार बताइए, जो शराब पी के तलाक दे रहा है, जो जुआ खेल रहा है, जुए के कारण, शराब के कारण, बुरी आदतों के कारण जो तलाक दे रहे हैं, उन मर्दों के खिलाफ कभी फतवा नहीं दिया? उनके खिलाफ फतवा नहीं देते हैं आप? कोई बच्ची गाना गा रही है, कोई बच्ची अगर म्यूजिक सीख रही है, कोई डांस सीख रही है, उसके खिलाफ आप फतवा देते हैं?
अपनी बच्चियों को पढ़ने नहीं देते कि जी ये तो बहुत जागरूक हो जाएगी तो ये घर में जो आफत हो जाएगी। उसके खिलाफ फतवा आज तक किसी ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मानता है कि जी ये पनिशेबल जो क्राइम है, आज तक किसी एक को पनिश दिया हो, किसी एक व्यक्ति को, किसी एक इंसान को पनिश दी हो? कभी किसी को जो मुस्लिम जो कानून है उसमें तो आप सरे चौराहे पर खड़ा करके उनको पत्थर मारिए, उनको खड़ा करके वहां पर कोड़े मारिए, पुराने जमाने में कोड़े मारने का हुक्म था, इतने कोड़े मारिए यानी एक कोड़ा इतना जबरदस्त हो कि वो गिर जाए, जख्मी हो जाए, बुरी तरह वो गिर जाए जख्मी होकर, ये हुक्म था। फिर उसके बाद एक फंड हुआ करता था जो उस महिला की जिसको तलाक होती थी उसका पालन पोषण वो किया करता था। आज कौन सा फंड है? आज तो भीख मांग रही है वो औरतें, परेशान है वो, किस कदर औरतें जो है डिप्रेशन की मरीज है। इस चीज का अगर हम जायजा लें हमारे पास पेपर भर जाएंगे। आज तलाक के ट्रिपल तलाक के खिलाफ साइन कराए, कितने ने उनको भी जबरदस्ती साइन नहीं करने दिया जाता। नहीं जी हमारे घर में कोई परेशानी नहीं है, हमारी बहन बेटी हमारे घर में है, खुश है, उनको निकलने नहीं। कितने केसेस आज जितनी बहने ट्रिपल तलाक के लिए कोर्ट में गई हैं, क्यों नहीं उनकी सुनवाई की? आज वो कोर्ट में गई हैं, उनका आज ये बीमारी बन चुकी है, आज ये इतनी जबरदस्त बीमारी बड़ी बीमारी का रूप ले लिया जिसका इलाज होना बहुत जरूरी था और अभी होना चाहिए। तो इसको खत्म डिसमिस करना चाहिए, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को खत्म करना चाहिए और ट्रिपल तलाक को भी, और जो साहिब हैसियत फिर भी यदि कोई तलाक होती है जो साहिब हैसियत इंसान है उसकी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा, ये कानून हो, आधा हिस्सा प्रॉपर्टी का उस औरत को दिया जाए, उस महिला को दिया जाए और कहीं से भी उसको पनिश किया जाए, लाख रुपया उसके पास, 1 लाख से 5 लाख तक उसको पनिशमेंट दी जाए कि तुरंत देना है।